नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर एंड चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ। एक्चुअली जब भी हमारे शरीर में कहीं प्लास्टर लग जाता है, प्लास्टर लगा देते हैं डॉक्टर, तो हम अधिकतर समय डॉक्टर से पूछना भूल जाते हैं कि इसमें क्या सावधानी रखना, क्या मुझे करना, क्या नहीं करना। इसी की चर्चा करने जा रहा हूं। एक्चुअली होता है क्या कि प्लास्टर हम क्यों लगाते हैं? प्लास्टर लगाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी अंग में हम प्लास्टर लगाते हैं उसका एम रहता है कि वो पार्ट हिले डुले नहीं। और ये पार्ट नहीं हिले, ये तो इंपॉर्टेंट है, पर्पस ही है प्लास्टर लगाने का। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे भी पार्ट रहते हैं कि मरीज उसको भी नहीं हिलाता है, या प्लास्टर के कारण, कंप्रेशन के कारण भी दूसरी दूसरी तकलीफें होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। एक्चुअली जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मान लीजिए मेरा यहां का हड्डी टूट गया तो हम लोग क्या करते कि प्लास्टर इसमें लगाते ताकि ये पार्ट ना हिले। लेकिन ये पार्ट नहीं हिले इसके लिए तो प्लास्टर लगा दिए, लेकिन ये उंगली भी नहीं हिल रहा है, उंगली भी हिलाना आपने बंद कर दिया, तो होता क्या है, ये सब जाम हो जाता है। जाम ही नहीं हो जाता है, सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम होता है। और प्लास्टर के कारण से जो दूसरी जो तकलीफें होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टर डिजीज हो गया इसको जो। और ये प्लास्टर डिजीज एक बहुत ही खराब बीमारी बोलेंगे, खराब इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इसलिए हो जाता है कि हमने प्लास्टर किस तरह से रखना, किस तरह से उसमें देख रेख रखना, क्या सावधानी रखना, क्या नहीं रख करना, ये चीज़ों को हम अच्छे से नहीं समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये रखना है कि जो अंग आपको प्लास्टर लगा है वो तो ठीक है, लेकिन जो अंग में प्लास्टर नहीं लगा है, जो आपका मूवमेंट हो सकता है उसमें मूवमेंट करना है, वो मूवमेंट करना, उसको भी ऐसा नहीं है रोक नहीं देना है। इससे हम ज्वाइंट स्टिफनेस, दूसरे जगह की ज्वाइंट स्टिफनेस को रोक सकते हैं। दूसरा चीज की एक मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव मूवमेंट, जैसे ये एक्टिव मूवमेंट हो गया, एक होता है कि जैसे आप हमारे हाथों में ही देखिएगा, हमारी मांसपेशियां चल रही हैं, कोई चीज हिल डुल नहीं रहा है लेकिन मांसपेशियां चल रही है, ये हुआ पैसिव मूवमेंट। मूवमेंट हो रहा है लेकिन कुछ बाहर से दिख नहीं रहा है, मांसपेशियां चल रही हैं। तो पैसिव मूवमेंट करना है, जिसे अगर मान लीजिए अगर यहीं पे हम प्लास्टर लगा दिए तो ये तो नहीं हिलेगा, लेकिन यहां पे हम मांसपेशियों को अंदर ही अंदर चला सकते हैं। इससे क्या है कि सर्कुलेशन बना रहता है। तीसरा चीज जो ध्यान रखना रहता है कि हमेशा प्लास्टर को लटका के नहीं रखने का। लटका के रखने से क्या होता है कि स्वेलिंग बढ़ते जाता है, उससे और दिक्कत होती है। तो हमेशा कोशिश करने का, अगर पैर में प्लास्टर लगा है तो पैर को तकिया वगैरह के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखें, हाथ में रखा है तो कितना बार डॉक्टर लोग कफन कॉलर दे देते हैं ताकि हाथ ऊपर ही रहे, इसे लटक के ना है, लटका के नहीं रखना है। तीसरा चीज जो ध्यान देना रहता है कि अगर उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, जैसे हाथ में हमने प्लास्टर लगा दिया, उंगलियां बिल्कुल सूज गई, यानी ये दिक्कत वाला चीज है, नीला हो गया, ये दिक्कत वाला चीज है। इससे क्या है, धीरे धीरे इसमें खून के संचार में भी दिक्कत होने लगता है, कितना बार बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यानी कि आपको गड़बड़ी है, और ऐसे में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। कितने लोगों की आदत रहती है कि प्लास्टर लगा दिए हैं उसमें पानी डालते हैं, पानी नहीं डालते, कुछ पेंसिल डाल के, कुछ दूसरा कोई डाल के उसमें खुजाते हैं, तो ये भी बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप डॉक्टर को बताइए, वो कोई ना कोई मेडिसिन आपको दे देंगे, लेकिन इस तरह के प्रोसीजर करने से कितना बार अंदर में अल्सर, घाव हो जाता है। अगर प्लास्टर में आपको बहुत पेन हो रहा है, बदबू आ रहा है, तो इसका मतलब दिक्कत है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर ये सब प्रिकॉशंस मोटा मोटी अगर आप रखें तो हम प्लास्टर डिजीज को रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि कोई भी आदमी को प्लास्टर डिजीज नहीं हो। थैंक यू दोस्तों, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।